Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says calculate the velocity of the center of mass of the system of particles shown in figure. Fine. So देखो इस तरह से हमारे पास सिस्टम है जिसमें मैं आई थिंक 1, 2, 3, 4 और ये 5. सो 5 पार्टिकल है इस सिस्टम के अंदर एंड हमें इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालना है. देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 v1 + m2 v2 अप टू डैश डैश कहाँ तक जाएगा m5 v5 डिवाइडेड बाय m1 + m2 + m3 अप टू डैश डैश m5 राइट. व्हाट इज v1? v1 इज द वेलोसिटी ऑफ m1, v2 इज द वेलोसिटी ऑफ m2 एंड इस तरह से होगा. सो देखो एवरीथिंग इज गिवन. m1 दे रखा है, जैसे फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना है 1 किलोग्राम और इसकी वेलोसिटी भी दे रखी है जो कि 1.5 मीटर है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. सो एक काम करते हैं वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं तो ज़्यादा आसान होगा. ऊपर की तरफ आपके पास क्या है, ऊपर की तरफ जे कैप होगा और इस डायरेक्शन में आई कैप होगा राइट. सो जैसे v1 की मैं बात करूँ, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल राइट, दैट विल बी आप कंपोनेंट ले लो इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा 1.5 का cos 37 विच इज़ 4/5 और नीचे की तरफ इसका कंपोनेंट आएगा 1.5 का sin 37 विच इज़ 3/5. सो चेक करो कितना आ रहा है, 0.3. सो 0.3 × 4 सो 1.2 और ये माइनस आएगा, -1.2 इन आई कैप और नीचे की तरफ है सो माइनस आएगा और कितना जे कैप आएगा, -0.9 सो -0.9 जे कैप फाइन. सो ये आपका v1 आ गया राइट. m1 पता है 1 किलोग्राम, लेट मी राइट इट. जैसे m1 विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय -1.2 आई कैप -0.9 जे कैप फाइन प्लस m2 कितना है 1.2 किलोग्राम सो 1.2 इंटू इसकी वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है 0.4 सो 0.4 इन जे कैप प्लस m3 कितना है 1.5 और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पीछे की तरफ राइट. सो दैट विल बी 1 का cos 37 विच इज़ 4/5 और ऊपर की तरफ होगी 1 का sin 37 विच इज़ 3/5 सो 0.8 और ये माइनस आएगा राइट, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो माइनस आई कैप में. सो दैट विल बी माइनस ऑफ 0.8 इन आई कैप प्लस 0.6 इन जे कैप राइट फाइन. अब जो फोर्थ पार्टिकल है दैट विल बी 0.5 इसका मास है और वेलोसिटी इज 3 आई कैप और जो फिफ्थ वाला पार्टिकल है उसका मास 1 किलोग्राम है और जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दैट इज़ 2 का cos 37 cos ऑफ 37 विल बी 4/5 और नीचे की तरफ 2 का sin 37 sin 37 विल बी 3/5 सो दैट इज़ कितना हो गया 1.6 इन आई कैप राइट और -1.2 इन जे कैप. सो ये आपका न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर में क्या आना है, टोटल मास 1 + 1.2 + 1.5 + 0.5 + 1 फाइन. सो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा है. सो आई थिंक कैलकुलेशन यू कैन डू योर सेल्फ एंड इस तरह से हमें निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो आई थिंक इट्स क्लियर, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर. ओके गाइस, कीप वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक, बाय.